नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान जीके में। दोस्तों, स्पीडी जीके की इस सीरीज़ में उन क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो पिछले कई वर्षों से विभिन्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों, यह स्पीडी जीके सीरीज का 8वां भाग है। यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क स्थित है असम में। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली किस नगर के किनारे बसा हुआ है? तो दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोने का रेशा कहा जाता है? तो सोने का रेशा कहा जाता है जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो स्वांगला जनजाति है पंजाब की। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न कब मिला था? इसको कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला भारी उद्योग जमशेदपुर में कब स्थापित हुआ? तो भारत में पहला भारी उद्योग जमशेदपुर में स्थापित हुआ 1907 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई सितंबर 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई सितंबर 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है? तो भारत में सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो आमेर का किला स्थित है जयपुर में, आमेर का किला स्थित है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय मिलिट्री एकेडमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय मिलिट्री एकेडमी स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्जेंटीना देश की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना देश की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। दोस्तों, अर्जेंटीना की मुद्रा क्या है, कृपया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन देश की संसद का नाम है? तो ब्रिटेन देश की संसद का नाम है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? तो रंगास्वामी कप का संबंध है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी है? तो पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी है अरस्तु ने, और अरस्तु किसके गुरु थे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1995 की, 1 जनवरी 1995 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था रेड ड्रैगन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है लंदन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जवाहर सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सोमनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है स्थित है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के अंतिम सुल्तान का क्या नाम था? तो बहमनी साम्राज्य के अंतिम सुल्तान थे कलीम उल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, शिवाजी की भूमिकर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो शिवाजी की भूमिकर व्यवस्था आधारित थी रैयतवाड़ी पर। दोस्तों, यह स्पीडी जीके की 50 क्वेश्चंस की सीरीज है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करवाएं। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रिहाला नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो रिहाला नामक ग्रंथ लिखा था इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण किसने करवाया था? द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? तो भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी है 876 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकान का पठार कहाँ स्थित है? तो मैकान का पठार स्थित है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके मध्य स्थित है? तो डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? तो आर्टिकल 280 का संबंध है वित्त आयोग से। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में पर्यावरण आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पर्यावरण आयोग की स्थापना हुई थी 1980 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, ताप का एसआई पद्धति में मात्रक होता है? तो ताप का एसआई पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 40 है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड किस वर्ष बनी थी? तो रीता फारिया भारत की पहली मिस वर्ल्ड बनी थी 1966 में, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? तो राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 43 है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 है, पहल योजना का संबंध किससे है? तो पहल योजना का संबंध है रसोई गैस से। क्वेश्चन नंबर 45 है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, और संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी कुल 114 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितना लीटर लार प्रतिदिन पाया जाता है? तो मनुष्य में लार पाया जाता है 1.5 लीटर, मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे? तो ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे रॉबर्ट वॉलपेल। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत की प्रथम महिला डॉक्टर थी? तो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी आनंदी गोपाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 49 है, धातु के सिक्के सर्वप्रथम किसके काल में प्रकट हुए थे? तो धातु के सिक्के प्रकट हुए थे सर्वप्रथम बौद्ध काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नौली प्रमेय आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय आधारित है धारा रेखीय प्रभाव है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 50 स्पीडी सवाल। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन यह रहा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे वीडियो को पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।